नमस्कार, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। माय गॉड, क्या हुआ, यूं भागते भागते क्यों आए? अरे तुम होती तो तुम भी भागती। अरे मतलब क्या ये आजकल के बच्चे, भाई पूछो मत क्या किया इन्होंने। क्यों क्या किया? अरे एक बच्चा छोटा सा घर की घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था, बेचारा छोटा सा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो बोला मेरी मदद करो और मैंने घंटी बजा दी। फिर मैंने कहा मैं चलूं, बोले चलो नहीं भागो, जिसका घर है वो पीटने आएगा। आप भी ना, अरे बच्चे शरारते नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों की छोटी छोटी शैतानियां ही तो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं तो मानती हूँ बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आई लव बच्चे। अच्छा, मैं तो अक्सर कहता हूँ 1995 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहा था, तो एक नीचे से आ गया माली, बोले जूते मारूंगा तेरे बाप से शिकायत करूंगा घर जाके। बोले घर मत जाना, पापा नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले पास वाले पेड़ पे वो भी आम तोड़ रहे हैं। ये है आज के बच्चे। लेकिन आज के बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि न जाने ये किस दिशा में जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इनमें गुण है वो इनकी मासूमियत ही है, और वो हम न छीने तो बेहतर। तब मुझे मेरी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को बस बच्चा रहने दिया। क्या बात है, सही कहा आपने। और आज हम इन्हीं बच्चों पर बात करेंगे, और बच्चों पर जो बात करने बड़े आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह काफी बच्चे हैं। हम स्वागत करेंगे उनका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो मित्र देखिए, आज हमारे साथ हमारे तीन कवि मित्र हैं। हमारे साथ गुरु सक्सेना हैं, श्री आशकरण अटल हैं जिन्होंने आज ही बाल डाई करवाए हैं, और सुंदर मालेगावी जी हैं जो तो डाई भी क्या असर करेगी, मेकअप नहीं असर कर रहा। आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी कविताओं के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो भाई सुंदर सी महफिल को शुरू करने के लिए एक सुंदर सी एंकर मेरे साथ खड़ी है, और सुंदर सी कविता अगर हमें सुननी है तो सुंदर से वातावरण में, सुंदर ऑडियंस के बीच में सुंदर अल्फाज का प्रयोग करने के लिए क्यों ना सुंदर को ही बुलाया जाए। तो सबसे पहले हमारे बीच में है सुंदर मालेगावी। क्या बात है सुंदर साहब, आपको देख के तो लड़कियां भी सीटियां बजा रही हैं, और मैं आपकी जेलेसी भी देख रहा हूँ। ये सर बच्चों की बात कर रहे थे जी, तो मेरे भी अपने जाती खुद के बच्चे हैं। व्यक्तिगत बच्चे जी, और एक आपकी तरह शरारती भी है। अच्छा, तो मैं सिंगल बार कर रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, तो उसने मेरे बच्चे ने देखा, बोले पापा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए सिंगल बार कर रहा हूँ। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तुझे क्या समझ में आया? बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। आइए सीधे हम आपको कविता सुनाता हूँ जी, सुनाए। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। क्या बात है, शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाहें शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। ओहो, 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। वाह वाह। आइए एक मतलब दो तीन शेर जी सुना। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ। अच्छा, सिर्फ
पगड़ी गवा के आया हूँ, सर तो लेकिन बचा के आया हूँ। क्या बात है। और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, इश्क की मिर्गी, जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सुंगा के आया और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, अच्छा जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, उसको मुर्गा बना के आया और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, दोनों बेगम, दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पढ़ा के आया हूँ। बहुत अच्छे। और जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, क्या बात है, जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, उनका बटवा चुरा के आया। इसी काफिए में एक आध कोई और चीज जोड़ दीजिए। अच्छा। मैं तो सुंदर था पहले भी, आज पाउडर लगा के आया हूँ। आइए एक मतलब दो तीन शेरियत मत कर लीजिए। इरशाद। आम खाती रही ओहो बीवियां रात भर, अच्छा आम खाती रही बीवियां रात भर, खाती रही बीवियां रात भर, मैं उड़ाता रहा मक्खियां रात भर, और दिल जलाती रही सालियां रात भर, दिल जलाती रही, दिल जलाती रही सालियां रात भर, साले करते रहे मस्तियां रात भर। क्या बात है। और देखते देखते फिर सहर हो गई सुबह, सहर मतलब सुबह, देखते 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 फिर सहर हो गई, दोनों खाते रहे फलियां रात भर, और मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, मुर्गा एक टांग पर, मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, कुड़कुड़ाती रही कुड़कुड़ाती रही मुर्गियां रात भर, के छटपकती रही अब के बरसात में, वाह वाह, छाता टपकती रही छटपकते रहे अब के बरसात में, लेके फिरता रहा लेके फिरता रहा गादियां रात भर। और सुंदर ने था मुशायरा पढ़ा और बजती रही तालियां रात भर। क्या बात है। जेठल जी क्या कहना चाहेंगे सुंदर जी की शायरी पे। इसमें आदमी करप्ट हुआ मैंने सुना है, लेकिन मक्खियां रात को सोती है कभी जा उड़ती नहीं है जी। मक्खियां ऐसी करप्ट मक्खियां आप कहां से लाए। अटल जी क्या है कि ये अपने अपने घर की तासीर होती है। अगर आपके घर की मक्खियां रात में नहीं जागती इसका ये मतलब नहीं है कि सुंदर जी के घर की भी मक्खियां नहीं। इसे कहते हैं गुरु का दिमाग। बिल्कुल सही कहा आप। देखिए मक्खियां मुर्गे मुर्गी इतनी बात हुई ये सब चीजें, और आप कहते हैं हास्य मुश्किल हो गया, बच्चे आजकल हास्य पैदा करते हैं, और वो भी एक छोटी बच्ची आई मेरे पास आके मेरे को कहने लगी कि एक सवाल पूछूं, मैंने कहा पूछो, बोले एक हाथी है 12 केले हैं, हाथी ने 11 ही केले खाए, बताओ क्यों। मैंने कहा भाई उसे भूख नहीं होगी, बोले नहीं एक केला प्लास्टिक का था।
मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आई, बोले एक हाथी है, 12 केले हैं, हाथी ने एक भी केला नहीं खाया, क्यों? मैंने कहा केले प्लास्टिक के थे, बोले नहीं इस बार हाथी प्लास्टिक का था। नेहा, तुम क्या कभी बचपन में इंटेलिजेंट थी? ऑफ कोर्स, आस्क माय पेरेंट्स एंड माय भैया, दे यूज्ड टू बी सरप्राइज, मैं क्लास में नंबर 1 आती थी और बहुत सारे प्राइजेस घर पे लाती थी। तो फिर बड़े होके क्या हो गया? एनीवेज, अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वो काफी इंटेलिजेंट कवि हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा और सीख के इस दुनिया को दिया। एक ऐसा हास्य कवि जिसके पास निश्चित तौर पे आज की तारीख में हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों में जितने हास्य कवि हैं उसमें सर्वाधिक हास्य कविताएं किसी के पास अगर है तो वो आशकरण अटल है। आइए हम इस चिर युवा का स्वागत करें जिन्होंने अपनी उम्र बताने से मना किया है। आशकरण अटल। जैसा कि आपको पता है, बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, चार पंक्तियां देखिए। स्वागत। कि बच्चे ने पूछा, होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला, अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बुफे, उसका एक अंश हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक 5-स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन देखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। और स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म होने। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफे बाज है? बुफे बाज कौन? खुर्राट बुफे बाज है। और कौन नया मेहमान है, इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो। तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया, युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5-स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु स्वामी। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर, मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी अच्छी सब्जियां तो रह गई जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा, मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। भाई क्या बात है, बढ़िया। और एक सीन आपके साथ में हुआ होगा कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता। सही बात है। और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई। और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई जी। और बुफे दावत पे आपने देखा होगा, वहां आदमी खाना खाने के लिए कम आता है, बातें करने के लिए ज्यादा आता है।
अब मैं जो ही एक प्लेट में खाना भर के एक तरफ कोने में जाके खड़ा होके खा रहा था, एक भाई साहब आए और आते ही पूछा, आपने रसगुल्ला तो लिया ही नहीं। अच्छा। मन में आया बोल दूं, ये दाल और चटनी में डूबा पड़ा है वो रसगुल्ला ही है। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां, वाह रे बुफे तेरी बलिहारी, उल्टी ही रीत है सारी, बचपन में गांव में सीखा था कि खाना हाथ धोकर खाओ, जूते उतार कर खाओ, क्या बात, खाते खाते बातें मत करो और खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करो जी। उस दिन वहां सब बिना हाथ धोए और जूते पहन के खा रहे थे, खाते खाते बातें भी किए जा रहे थे और खाने के बाद मेरे बेटे किसी ने कुल्ला नहीं किया। क्या बात है। भारतीय संस्कृति में ऐसों को गंवार कहते हैं। क्या बात है। उस दिन 5-star होटल में पता चला, वहां कुल्ला करने वालों को गंवार समझते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये कविता जो अटल जी सुना रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में 11वीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, तो हमें लगता है आपको वो कविता जरूर सुनानी चाहिए। कविता का शीर्षक है, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, घर में पाते ही एकांत, मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। बहुत अच्छे। तब पिताजी अंदर थे, वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है, सोचाता पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया, मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए जी। बंदर को पूर्वज मानूं तो घर में पिटाई, और ना मानूं तो स्कूल में धुलाई जी। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। बहुत अच्छे। पंक्ति देखिएगा कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए, आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए, दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए, मैंने दादाजी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था, दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। क्या बात है, क्या बात। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता, किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। भाई क्या बात है। बंदर होता तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। मैंने एक मदारी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था, वो बोला देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए, कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर, मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं, मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर, मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, वाह वाह, एमए पास कराया, 3 साल हो गए वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक की बात ने मन को छुआ, उत्तर तो नहीं मिला पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ, अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं, आजकल मैं पूछता हूं आदमी भी आदमी है कि नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जैसे आप बुफे की बात कर रहे थे, तब जब लोगों के घर में खाने जाते हैं कुछ डिनर विनर पे, तो कई किस्से हो जाते हैं। मैं साउथ इंडिया में गया तो मेरे एक मित्र के घर खाना खाने गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था कि मुंबई से आ रहे हैं तो उनका लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी बोलते हैं, तो उनको आप हिंदी में कहिएगा खाइए खाइए शर्म मत कीजिए। उन्होंने अपनी साउथ इंडियन बीवी को बता दिया खाइए खाइए शर्म मत कीजिए। अब मैं गया, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, वो आई, खाओ खाओ शर्म तो है नहीं। अब ऐसे में क्या किया जाए साहब,
ना खाते बनता है, ना निगलते बनता है, ना उगलते बनता है, लेकिन जिंदगी में जब ऐसे क्षण आते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि भाई हंसी सबसे खूबसूरत चीज है, और जिसके पास हंसी है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। और एक धनी व्यक्ति हमारे सामने बैठा है जिनका नाम गुरु सक्सेना है। तो गुरु सक्सेना जी, आपसे अनुरोध है कि आप खरामा खरामा उस सोफे से उठिए, यहाँ पे आइए, कविताएं सुनाइए, और आप भाई जरा तालियां बजाइए। गुरु सक्सेना जी हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे अटल जी बड़े कवि हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में किसी ने भी सूर्य को कोई उपमा नहीं दी आजकल जी। किसी भी कवि ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हर कवि जानता है कि सूर्य बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि, दूसरा यमराज। अब मान लीजिए कि अटल जी ने कोई उपमा शनि टाइप कर दी सूर्य के लिए, सूर्य का दिमाग खराब, इनका बेटा शनि वो आज करंटल मेरे को कोई उपमा में कह रहा था, एक राउंड मार है जरा उसके। बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई, मैं भी बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी रहा, उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम, मैं तो इन बच्चों को भी अपना ही मानता हूँ। भले ही अपना योगदान ना हो, लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, साइज नहीं होती कि कितने बड़े बच्चे जी। इसलिए मैं आपकी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। एक बच्चे का उदाहरण कि पिताजी आप जानते नहीं हैं कैसे पढ़ता हूँ, मानते नहीं हैं। आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मास्टर रहते हैं पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा तब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे का खाक गधे के बच्चे। पढ़ोगे क्या था गधे के बच्चे हो, पिताजी गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? अब मैं बहुत छोटे साइज के बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको अभी संसार में कोई ज्ञान नहीं जी। बेटा कहाँ गया था? पापा रामलीला देखने। आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़ का संवाद। तूने ताड़ का देखी थी? हाँ पापा जी देखी थी। भला बता ताड़ का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी। जैसे कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं जी, अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के साथ में कुछ बच्चियाँ भी होती, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। सुबह पार्क में बैठी थी चार सहेलियां, एक बोली इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। अच्छा। दूसरी सहेली बोली, सबका चिंतन चाहूंगा, दूसरी सहेली बोली अरे कौन से भावा वेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे कह रही है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरु जी, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। भाई ने डार्विन के सिद्धांत की बात कही, मैंने भी कुछ विज्ञान के सिद्धांतों की बात कही जी। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक ने दूसरे से कहा जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती।
और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है। बहुत अच्छे। अपने अनुभव से मैं विज्ञान से जोड़ते हुए एक रचना और पढ़ने की कोशिश करूंगा जी। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाँ हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती। अच्छा। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाता। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से बने हुए समीकरण के बीचों बीच मेरा सारा धन पानी बनकर रह जाता है। हमारे बच्चे बड़े समझेंगे इसको कि H2 यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, दोनों मिलके H2O यानी पानी बनता है। और उसका क्या बढ़िया आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छे। वाह भाई, देश की जनता जब हमारे साथ है तो वाह वाह क्या बात है। पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या कुछ पूछ देते हैं। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ये बच्चे। अरे छुपे रुस्तम से मुझे ध्यान आया कि भाई हमारे आज का छुपा रुस्तम कौन है। तो राजस्थान के एक बेहद छोटे कस्बे से हमारे बीच में जो आज हमारे छुपे रुस्तम आ रहे हैं वो बड़े सुरीले हैं और उनका नाम ही है संपत सुरीला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देश के बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान है और वाह वाह क्या जोड़ी है, बहुत ही लाजवाब जोड़ी। भगवान ये जोड़ी सलामत रखें। मैं चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊँ सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके छह पहलवान। अब छह पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवानी, तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाची नाचता, लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार उसको डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मुझको डांटा। तो उन्होंने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड़ प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहाँ जाइए। वो दामाद की तरह सज सज कर जैसे ही ससुराल पहुँचता है, छः के छः पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है जी, अरे पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई, कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी दुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई है, तालियां बजाइए। अब जब आदमी भाई साहब कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार साले भी आए दिन सताते रहते हैं, पत्नी भी रोज पीटती रहती है, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे, तो जमाई ने जवाब दिया और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मर लात, मैं फिर लाया हूँ बरात ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। आजकल के नौजवान बच्चे
तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं हेयर स्टाइल बनाने में। मेरे को एक सच्ची घटना याद है, एक बार एक लड़के के बड़े सुंदर सुंदर बाल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक लड़की ने उसको देखा और देखते ही उसके बालों पे फिदा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सुंदर बाल वाले लड़के से, वरना जिंदगी भर कंवर ही रहूंगी। बात शादी तक पहुंची लेकिन एक शर्त रखी कि ये लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाएगा, एक साल के बाद पुनः लौट के आएगा तो तेरी शादी इससे कर दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मैं तो इसके बालों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, 4 साल भी इंतजार कर लूंगी। लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाता है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर माथे पे जाने क्या क्या लगाता है, थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल सारे बाल उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। हिंदुस्तान लौट के आता है, लड़की लड़के को देख के कहती है, भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता दे कि ये हाल हुआ कैसे। के तेल था खुशबू वाला, तेल था खुशबू वाला, माथे में जो ही डाला, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, हूँ तभी से टकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे पर इनको कौन पूछे, इच्छा यही है मेरी सिर पे हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाए और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजड़ी उजड़ी इसमें हरियाली आए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, फिर कैसे बचाता खुद कमाल, दिखने लगा है चमकीला चांद। अब इतना करते हुए भी उस लड़के के माथे पे 2 बाल बच ही गए। अच्छा, अब वो दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ये लड़का जाने माथे पे क्या क्या लगाता रहा, फिर भी इसके माथे पे हरियाली नहीं आई, हम दोनों बाल आपस में एक काम करते हैं, हम दोनों बाल आपस में शादी कर लेते हैं तो हमारी जो संतानें होगी जिससे इसका पूरा माथा हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बाल ने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। एक पैरोडी और निवेदन करता हूं, हमारे देश के राजनेता के फांकते रहते हरदम शेखी बगारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे, गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। आतंकवाद है, नक्सलवाद है, तेरे ही कारण यहाँ जंगल राज है, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी काला बाजारियों का तू सरताज है, काला बाजारियों का तू सरताज है, तेरे सस्ते सस्ते प्यादे बुनियादों को हिला दे, बुनियादों को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। बहुत बहुत क्या बात है, वाह। संपत, बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से आपने सुनाया, आपने जीवन के कई रंगों को छुआ। हम चाहते हैं कि आप संभावना से सफलता तक पहुंचें, हम चाहते हैं कि आप वहां पहुंचें जहां सिर्फ उन्नति हो, तरक्की हो, प्रगति हो, आपकी जीवन के अंदर इन खुशियों को भरने के लिए हम आज आपको वाह वाह क्या बात है की ओर से हमारे छुपे रुस्तम के रूप में एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हम स्वागत करें संपत सूर्यवंशी का। तो हमारे कवि मित्र थे श्याम ज्वालामुखी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, कठिन लिखना कठिन काम नहीं है लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन है। तो ये जो सरलता है ये बड़ी कमाल की है। जैसे हमारे कॉलेज के दिनों में लड़कियां अपनी सहेलियों को खत लिखती थी, तो उसमें लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ
और सहेली तेरी याद में फूट फूट की रोती हूँ। तो ये जो कूट कूट से फूट फूट की जो तुक है वो हमारा आम आदमी करता है, तो ये जो आम आदमी होता है वो कहीं ना कहीं कविता लिखने का कारण ढूंढ ही लेता है। जैसे हमारे ये दोस्त दुकानदार से, मैडम एक प्रोडक्ट ले लो बहुत अच्छा है। अबे फ्लोटिंग बनकर मेरा एक बच्चा है। ये जमीन रो रही है, ये आसमान रो रहा है, नॉनसेंस ये सब क्या हो रहा है। सुबह उठने का बहाना है, करता हूँ योगासन, बहाना वाना कुछ नहीं, सुबह जॉगिंग पे आती है मेरी पड़ोसन। प्यार कभी खत्म नहीं होता है, लड़का एक लड़की से ब्रेकअप करके अगले ही दिन दूसरी के पीछे होता है। शादी की है, 7 जन्मों तक निभाऊंगी, पर इतना याद रखना शॉपिंग भी उतनी ही कराऊंगी। तुम तो कहते थे एक्शन, तुम तो कहते थे लाऊंगा चांद तोड़कर, तुम तो कहते थे लाऊंगा चांद तोड़कर, पहले दिखाओ इस डब्बे का ढक्कन खोल कर। क्या बात है, वाह वाह। इस हिम्मत के लिए, आम आदमी तो आम आदमी है, जो जैसा सोचेगा वैसा कहेगा। और असलियत तो वही है कि जैसा दिखता है अगर आदमी वैसा ही लिखता है तो वो सच है। जैसे अटल जी वो आदमी है जो किसी भी जगह से कुछ ना कुछ इलाज निकाल लेते हैं। जैसे एक बार एक भयानक डकैत इनके घर में घुस गया और पिस्तौल दिखाई इनको और भाभी जी दोनों को, और दिखाई और बोला सब कुछ दो नहीं तो गोली मार दूंगा, मार ही दूंगा गोली, बताओ अपना नाम क्या है। तो नाम बताने के भाभी जी ने कहा देखो देखो छोड़ दो जी, मुझे छोड़ दो, मेरा नाम सविता है। तो बोले छोड़ दिया। अरे अटल जी बड़े आश्चर्य में आ गए, बोले कैसे छोड़ दिया। बोले मेरी माँ का नाम भी सविता है और जिसका नाम मेरी माँ के नाम से मिलता हो मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो अटल जी बोले कि नाम तो मेरा भी सविता है, लोग तो मुझे प्यार से अटल कहते हैं। तो आशकरण अटल, इनके जीवन की उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11वीं कक्षा में इनकी कविता पढ़ाई जाती है। ये ताली बजाने वाली बात है। ये अलग बात है कि ये खुद 10वीं पास हैं। भाई अटल जी मजाक की बात अलग है, हम आपसे मजाक कर लेते हैं कि आप सिर्फ 10वीं पास हैं, लेकिन सचमुच आपने जिंदगी की इन स्कूलों में जो सीखा है वो अद्भुत है। और हम चाहते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम आज आपको सम्मानित करें। तो आइए हम मिलकर सम्मान करते हैं आशकरण अटल का जोरदार तालियों के साथ। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। आशकरण अटल जी के सम्मान के अवसर पर आज उनके परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, उनका पोता दिग्विजय, उनकी बेटी महिमा और उनका भतीजा महिपाल। तनु, तुम्हारे दादाजी को तुम घर में क्या कह के बुलाते हो? जीसा। जीसा, जीसा इतने हंसी की बातें सुनाते, तुम्हें कुछ कभी कुछ जोक वोक सिखाया कि नहीं इन्होंने? मैं एक बार एक मास्टर अपनी क्लास को पढ़ाता है, बोलता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा। तो एक बच्चा सोता होता है, वो बोलता है कि हे तुम सो रहे हो, उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन में सो गए। हाँ। तो वे बोलता है कि नहीं सर, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा आधा सो रहा था और आधा जाग रहा था। तो बोलो मैंने अभी क्या बोला? सर आपने बोला कि दिल्ली में अभी कुत्ता बीमार है। बहुत अच्छे। महिमा, आपके पिता कवि हैं, तो कभी कुछ ऐसी घटना हुई जो इनके बारे में बड़ी रोचक हो? कवि है तो ह्यूमर तो रहता ही है, तो पापा की डांट में भी ह्यूमर है और पापा के प्यार में भी ह्यूमर है। अच्छा, डांट में भी ह्यूमर है, कैसे? वो ऐसे कि स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, हिंदी को छोड़ के। हिंदी को छोड़ के, अच्छा। तो जब मैं घर आती थी उनको बोलती थी तो ये मुझे बोलते थे कि क्या बेटा तू हिंदी का खाती है, हिंदी का पीती है, हिंदी के ही कपड़े पहनती है और हिंदी में ही सबसे कम नंबर लेके आती है। बहुत अच्छे। महिपाल, आप क्या कहना चाहेंगे अपने जीसा के बारे में? कहते हैं कि कवियों की, लोग कहते हैं कि भाई इनकी इनकम क्या होगी, क्या होगी, बाकी सबसे रॉयल कवि हैं, रॉयल्टी से जी हैं। जी, घर में भी वैसे ही और बाहर भी वैसे ही। इसमें कोई शक नहीं कि आशकरण अटल बड़े शाही आदमी हैं। तो आइए मिलके हम एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जाते जाते एक कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती है जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। वो कहते हैं कि नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। गम का क्या है और मिलेंगे, छोड़ो दासी अच्छा हंस दे। हम दोनों होंगे साथ और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।